हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम अगेन। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं BHU का जो रिजल्ट है जनरल वालों का उसके बारे में। आज जो है आपका 5 अगस्त हो चुका है और आज ही जो है आपका यहाँ पर रिजल्ट आना था, लेकिन आपका जो रिजल्ट है वो 6:30 बजे के बाद पब्लिश होगा। जो PWD वाले स्टूडेंट थे उनका यहाँ पर जो रिजल्ट है वो आ चुका है। तो रिजल्ट आने के बाद आपको यहाँ पर क्या ध्यान में रखना है, किस तरीके से पेमेंट करना है, अगर किस तरीके के ऑप्शन आपको शो करेंगे तो आपको क्या वहाँ पे स्टेप फॉलो करने हैं, वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। सो आप लोग वीडियो को पूरा वॉच करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। देखिए, आप लोगों का जो रिजल्ट यहाँ पर आएगा तो कुछ इस तरीके से जो आपको शो कर सकता है। सो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो कमेंडमेंट फ़ी है वो आपको पे करना है। आपको हमने बताया था लास्ट वीडियो में, इनका जो पूरा एडमिशन का जो स्टेप रहने वाला है उसमें इन्होंने बताया था कि अगर आपको आगे मतलब प्रोसेस कंप्लीट करना है, आपको मिल रहा है कोर्स, तो आपको जैसे जनरल वालों के लिए आई थिंक ये 2500 रुपये थे, बाकी 500 रुपये का फ़ीस रखा गया था ठीक है। तो वो जो नॉर्मल फ़ीस है वो आपको यहाँ पर एक्चुअली पे करना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये जो है आपको इस तरीके से शो करेगा। अब जो है अगर आपका यहाँ पे लाइक डैशबोर्ड में कुछ भी नहीं शो करता है तो अभी इनके क्या है कि राउंड चलेंगे, ठीक है, राउंड चलने वाले हैं। जैसा कि आपको बताया गया कि 5 तारीख को आपको जो फर्स्ट राउंड का कट ऑफ है वो देखने को मिलने वाला है, उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर, फाइव, ऐसे करके आपके राउंड वाइज जो रिजल्ट है वो निकाले जाएंगे। तो अगर आपके डैशबोर्ड में कुछ भी नहीं शो कर रहा है तो आप घबराना मत, वेट करना और फिर जो है आपका वहाँ पर शो कट जाएगा। अब देखिए, अगर किसी स्टूडेंट का 2 कोर्स जो है उसको अलॉट होते हैं, ठीक है, उसको 2 कोर्स अलॉट होते हैं, जैसे मान लीजिए कि उसको हिस्ट्री ऑनर्स यहाँ पे जो है मिल रहा है, दूसरा यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस प्लस में कुछ और उसको कॉम्बिनेशन जो है वो मिल रहा है, तो वहाँ पे जो फी ऑप्शन जो यहाँ पर पे करने का होगा, अगर आप जनरल वाले हैं तो 2500 आपको नीचे भी शो करेगा, 2500 आपको ऊपर भी शो करेगा। आगे जो है आपको पेमेंट जो है ऑनलाइन पे करने का ऑप्शन रहेगा। तो आप इन दोनों में से जिसके लिए भी यहाँ पर वो कमेंडमेंट जो फीस है वो पे करेंगे, मान लीजिए आपने पॉलिटिकल साइंस के लिए यहाँ पर किया तो आपका आगे का जितना भी प्रोसेस होगा वो पॉलिटिकल साइंस का ही यहाँ पर रहने वाला है, हिस्ट्री ऑनर्स का आपका वहीं पे एंड हो जाएगा। और अगर आप फीस पे कर रहे हो ना जिस कोर्स की, उस कोर्स का जो है आपको आगे जो है यहाँ पर स्टेप बाई स्टेप चीज़ें जो है वो आपको देखने को मिलने वाली है। किस तरीके से पूरा एडमिशन का प्रोसेस चलने वाला है इस पर मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना रखा है, आप लोग जाके देख सकते हैं। BHU की जो अब वेबसाइट है उसको आप लोग रेगुलर चेक करते रहना। आज शाम को 6:30 बजे के बाद आपका रिजल्ट यहाँ पे पब्लिश हो जाएगा, हो सकता है उससे पहले भी आ जाए, क्योंकि जो डेटा दिया गया था अपने को वो टेंटेटिव डेटा था, ठीक है, तो आगे पीछे भी हो सकता है। आप बस अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करके रेगुलर जो है वो चेक करते रहे। कैसे आपको डैशबोर्ड में लॉगिन करना है वो एक बार मैं आपको इनशॉर्ट बता देता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग BHU की ऑफिशियल वेबसाइट पे, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि UG के लिए जो है आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये देखिए, रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग पर जब आप क्लिक करेंगे इस पर, तो यहाँ से आपको जो है वो लॉगिन कर लेना है। लॉगिन जो है यहाँ से आप लोग जो है करेंगे, ऑप्शन जो लॉगिन का दिख रहा है इस पर क्लिक करके अपना ईमेल पासवर्ड डाल के लॉगिन आप कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद ही आपको सारी चीज़ें एक्चुअली पता चलेगी। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही गाइस। वीडियो देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया।